ऐसे एक फैशन का वीडियो स्टार्ट क्यों किया मुझे भी नहीं पता, पर जब हम फैशन वीडियोस बना रहे होते हैं ना, मुझे दो चीजें पता है। पहली चीज, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप ज्यादा सेक्सी बन जाओगे। दूसरी चीज, फैशन वीडियो के पहले कौन से नशे करता है ये रणवीर अलाबादिया। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कुछ ऐसे फैशन मिस्टेक्स, 10 फैशन मिस्टेक्स जिसकी वजह से लड़कियां आपको देखकर कह रही हैं, मुझे तो ये सेक्सी लगने लगे थे पर इनका सेक्सीनेस कम हो गया ड्रेसिंग की वजह से। ड्रेसिंग पर काम करो, रणवीर अलाबादिया को सब्सक्राइब करो। झट से मैं आपको 10 फैशन के मिस्टेक्स बनाऊंगा, बट मोस्ट स्पेसिफिकली कुछ ऐसे मिस्टेक्स जिसकी वजह से आप ज्यादा अंकल जैसे दिख रहे हो और कम नौजवान जैसे। आपको नौजवान दिखना है, बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिखना है, लड़कियों को इम्प्रेस करना है और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना है। मिस्टेक नंबर 1, स्क्वेयर टोड शूज। ये होते हैं अंकल के टाइप के शूज। ज्यादातर ओल्डर मैन ऐसे जूते पहनते हैं, जो थोड़े से बूढ़े हैं वो लोग ऐसे पहनते हैं। क्यों ऐसे पहनते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में इस प्रकार की फैशन की ट्रेंड होती थी, ठीक है। आजकल ये ट्रेंड चली गई है। अगर आपको जूते पहनने हैं, होने चाहिए थोड़े से शार्प, एकदम शार्प नहीं, अलादीन जैसे नहीं, पर कैसे, थोड़े से कर्व्ड एंड पॉइंटेड, एकदम ज्यादा पॉइंटेड भी नहीं, ठीक है, वो याद रखे। और अगर आपको एक फॉर्मल ओकेजन के लिए जूते चाहिए ना, तो कैसे जूते होने चाहिए, या तो लोफर्स ले लो या तो ब्रोग्स, मंक स्ट्रैप्स, नॉर्मल लेस्ड अप फॉर्मल शूज, फुल पैटर्न शूज, ये सारे शूज है बहुत ही सेक्सी, ये सारे शूज है मेरी रिकमेंडेशन। एंड दैट्स व्हाई से नो टू स्क्वायर टोड शूज, बहुत ही गंदे दिखते हैं, प्लीज। दूसरी मिस्टेक, अक्सर हमें ये कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा सेक्सी दिखना है तो आपको सूट्स पहनने होंगे। हाँ जी, वो सच तो है, पर आपको एक और चीज याद रखनी चाहिए, आपको अकॉर्डिंग टू मी रेडीमेड सूट्स नहीं खरीदने चाहिए। बहुत सारे ब्रांड में रेडीमेड सूट्स मिलते हैं, बट वो ना एक ही प्रकार के फिट के होते हैं। जो असली सेक्सी सूट्स होते हैं ना, वो होते हैं टेलर्ड सूट्स, जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके हाइट के अकॉर्डिंग, आपके विड्थ यानी कि बिल्ड के अकॉर्डिंग, आप कितने चौड़े हो उसके अकॉर्डिंग सिलवाए जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक सूट्स 101 का व्लॉग तो बनाया है कि मैं खुद अपने सूट्स कैसे सिलवाता हूँ, ठीक है। बट आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको अच्छे से कम बजट में सूट सिलवाने हैं तो आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। पहले अपने लोकल क्लॉथ मार्केट के यहाँ जाओ, वहाँ से सूट का अच्छा सा मटेरियल खरीद लो, ठीक है। ये मिलेगा कुछ 3,000 या 4,000 रुपीज़ का अराउंड, मेरी बात सुनो, ठीक है। उसके बाद आपको एक लोकल टेलर ढूंढना चाहिए और 2,000 या 3,000 रुपये में अपनी स्टिचिंग करानी चाहिए सूट की। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो दोस्तों, सूट एक ऐसे प्रकार का कॉस्ट्यूम आउटफिट होता है जो आप केवल शादियों पर पहनते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तब पहनते हो, किसी को इम्प्रेस करना है, कॉन्फ्रेंस में जाना है तब पहनते हो। इसलिए एक ही सूट खरीदो, 5 साल के लिए पहनो, पर उन 5 सालों के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा कर लो, दैट इज़ माई ऑनेस्ट सजेशन। अगर मान लो आपने रेडीमेड सूट लिया, पहले तो कुछ ऐसा दिखेगा, इल फिटिंग, ठीक है, या तो लूज होगा या तो बहुत टाइट होगा, या तो थोड़ा लंबा होगा या तो बहुत छोटा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको इसे भी ऑल्टर करना है ना, और अगर आप टेलर के पास लेके गए ये सूट, तो टेलर भी बेसिक, सबसे बेसिक टेलर आपसे 3,000 रुपये मांगेगा सिर्फ ऑल्टर करने के लिए, क्योंकि सूट को ऑल्टर करने के लिए उसका मटेरियल पूरा खोल कर ऑल्टर करना पड़ता है। अच्छा, आई ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप सूट खरीदने जा रहे हो ना, तो खरीदो मत, स्टिच करवाओ, क्लॉथ सेपरेटली खरीदो, टेलर के पास जाओ, अपनी मेजरमेंट्स करवाओ और अच्छे टेलर के पास जाओ, ठीक है, जिसकी रेप्यूटेशन है, जिससे आपके कोई दोस्त ने सूट सिलवाया है, रिश्तेदार ने कोई सूट सिलवाया है, तो प्लीज़ उनके पास जाके सूट सिलवाओ। ओके, ये एक टिप नहीं है, ये छोटी सी हैक है। अगर सूट नहीं पहनना है तो एक अच्छे क्वालिटी का कुर्ता पजामा खरीद लो, ठीक है। कुर्ता चूड़ीदार फॉर्मल भी होता है, एलिगेंट भी होता है, सूट जितना सेक्सी भी होता है। और आप भारतीय हो, भारतीय होने के नाते कुर्ते तो पहनने चाहिए यार, कम खर्चे में उतना ही सेक्सी। और ये टिप 3 बहुत सिंपल है, सूट के एक्सेसरी। जब शादी के लिए जा रहे हो, आपने सूट सिलवा दिया है, तो आप टाई पहनते हो ना, पहला रूल, टाई को पॉकेट स्क्वायर से मैच मत करना। ये बहुत ही बड़ी फैशन मिस्टेक होती है, आपका टाई आपके पॉकेट स्क्वायर से कभी मैच नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मैच करना है ना, तो मान लो आपने एक स्ट्राइप टाई पहनी है, ठीक है, उसमें जो सेकेंडरी कलर है, जो दूसरा कलर है, एक होता है आपका बेस कलर, ठीक है, जो मेनली जो कलर दिखता है, मान लो ब्लू है और ब्लू पर छोटे से स्ट्राइप्स है, ठीक है, मान लो व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, तो फिर आपका पॉकेट स्क्वायर भी थोड़ा सा व्हाइट हो सकता है, वो सेकेंडरी कलर से मैच हो सकता है।
उसी प्रकार अगर आपने मल्टी कलर्ड पॉकेट स्क्वायर पहना जहाँ अलग अलग कलर हैं और आपको थोड़ा सा मैच करना है, एक प्लेन टाई पहनो जहाँ वो टाई का कलर ना उस पॉकेट स्क्वायर के वो छोटे से कलर से मैच हो जाए, मान लो कुछ ऐसे। और एक और चीज़, टाइज की बात आई तो हमने टाइज 101 का वीडियो बना ही लिया है। अगर आप एक बड़े मर्द हो, ग्रोन मैन हो, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। टाइज के बारे में भी सीखना एक लाइफ की स्किल होती है। अगर आपको फॉर्मल्स में सेक्सी दिखना है, टाइज के बारे में सीख लो। ट्रस्ट मी, लड़कियां टाइज के पीछे पागल हो जाती है, भाई की मान लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टाइज और सूट्स और कुर्तों से दूर हट जाते हैं, बेसिक्स कैजुअल्स के बारे में बात करेंगे, एथलीजर के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं आपका भाई हूँ तो भाइयों के बीच जो बातें होती है ना, उस प्रकार की बात करेंगे। अगर आपने एथलीजर क्लोथिंग खरीदी तो पहन लो, अच्छी क्लोथिंग होती है, ठीक है। बट एथलीजर क्लोथिंग ना थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी लूज हो जाती है और इसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। पहले ऑब्वियसली वो लूज दिखने लगती है, पर दूसरा और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ी सी पतली भी हो जाती है लूजनेस के कारण। तो फिर क्या होने लगता है, जो आपके हाथी की सूंड है ना, यहाँ की एरिया थोड़ी पॉप होने लगती है, ठीक है, ये याद रखिए। तो जब आप कोई भी एथलीजर की हाफ पैंट या जॉगर्स पहन रहे हो ना, पहले सुबह सुबह पहन कर शीशे में देखो और ऐसे करो, स्ट्रेच करो। अगर स्ट्रेच करके वहाँ की एरिया पॉप होने लगी ना, तो प्लीज़ कोई और पैंट पहन लो या नए एथलीजर के कपड़े खरीदो। पर ये एथलीजर की एक बड़ी फ्लॉ होती है, तो बस यहाँ के एरिया को ना थोड़ा सा खुद के लिए रखो। ओके, हाथी की सूंड की बात हो गई, अब हम बात करेंगे आउटफिट्स के बारे में। एक सबसे भयानक आउटफिट्स की गलती होती है और उस गलती को मैं कहता हूँ ग्रंज ऑन ग्रंज। ब्राउन या ग्रीन माने जाते हैं ग्रंजी कलर्स, अर्दी कलर्स, ठीक है। और बहुत सारे भारतीय बंदे पता है कौन सी मिस्टेक करते हैं, अपने आउटफिट को बहुत अजीबी से ग्रंज ऑन ग्रंज मैच करते हैं, ठीक है। या तो ग्रीन और ब्राउन साथ में पहन लेते हैं, या और भी ज़्यादा बुरी बात, ये लाइट ग्रीन को डार्क ग्रीन के साथ मैच करते हैं, या उल्टा डार्क ग्रीन को लाइट ग्रीन के साथ, सेम लाइट ब्राउन विद डार्क ब्राउन और डार्क ब्राउन विद लाइट ब्राउन। ये बहुत ही गंदी आउटफिट होती है। प्लीज़, आई नो गंदा शब्द एक बुरा शब्द होता है, बट जेन्यूनली ये दूसरे इंसानों को एक थोड़ी सी लोली फीलिंग दे देती है। और ये इतने अच्छे कलर्स है यार, ग्रीन ब्राउन अर्दी कलर्स है, ब्लैक के साथ ज़बरदस्त दिखते हैं, वाइट के साथ ज़बरदस्त दिखते हैं, बट एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ इस प्रकार की कॉम्बिनेशन फॉलो मत कीजिए। ब्राउन ब्लू के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है, वो याद रखिए। ग्रीन आई थिंक इज ओनली गुड विद वाइट एंड ब्लैक, बट ब्राउन ब्लू और ब्राउन वाइट और ब्राउन ब्लैक, क्या कॉम्बिनेशन है। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक। चलो, बहुत सारे बंदे ये भी करते हैं इंडिया में, अपने फॉर्मल आउटफिट के साथ पता है क्या करते हैं स्लीपर्स या सैंडल पहन लेते हैं, और वो भी सॉक्स के साथ। यार ऐसे क्यों कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? बहुत ही अनअट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन होती है ये। अगर आप कोई भी लॉन्ग पैंट पहन रहे हो ना, वेरी रेयरली उसके साथ फ्लिप फ्लॉप्स पहनने चाहिए। हाँ, अगर आप खुद के ऑफिस जा रहे हो या अगर आप स्टार्टअप की दुनिया में हैं, कोई कोई इंडस्ट्रीज में ऐसी लुक एक्सेप्टेड होती है, कंफर्ट वाली लुक। मुंबई में ये लुक एक्सेप्टेड होती है, बट रेस्ट ऑफ इंडिया में यूजुअली ये लुक एक्सेप्टेड नहीं होती है। अगर आप लंबे पैंट्स पहन रहे हो तो प्लीज़ फॉर्मल जूते पहनिए या फिर से लोफर्स पहनिए, बहुत ही ज़बरदस्त दिखते हैं यार। एंड अगर आपको स्लीपर्स या सैंडल्स पहनने हैं ना, या तो कोई एकदम इनफॉर्मल मीटिंग के लिए पहन सकते हो, चिल हॉलिडे पर पहन सकते हो, या तो शॉर्ट्स के साथ पहनो बीच पर, वहाँ एकदम ज़बरदस्त दिखता है। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक, और ये एक भारतीय अंकलों की मिस्टेक होती है। पता है मिस्टेक क्या है? अगर मान लो वो सूट जैकेट पहन रहे हैं, ठीक है, वो जो ब्लेजर होता है ना वो पहन रहे हैं, सेक्सी है, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड, उसके नीचे पता क्या पहनते हैं? जीन्स। क्या है यार, या तो आप चीनोस पहनो नीचे, यहाँ उसी सूट के बने हुई मटेरियल की पैंट, ठीक है, वो याद रखिए, ये रूल याद रखिए। अगर आपको ब्लू जीन्स पहननी है ना कोई भी जैकेट के साथ, तो वो केवल एक नेवी ब्लू जैकेट हो सकता है, ये रूल याद रखिए। उसका कलर एकदम मैच होना चाहिए, बट जनरली ये जीन्स शर्ट अंदर डाल के उसके ऊपर एक जैकेट डाल के ये लुक ना बहुत ही अंकल वाली लुक होती है। तो नीचे चीनोस पहन लो, यानी कि कॉटन से बनी हुई पैंट्स
या वो सूट की फॉर्मल पैंट्स पहन लो और आइडियली ना कलर मैच करो जितना हो सके, ब्लू ऑन ब्लू, ग्रे ऑन ग्रे, वो ज़्यादा क्लासी दिखता है। बहुत सारे लोग अलग अलग कलर के पैंट, अलग अलग कलर के सूट पहनते हैं। हाँ, कोई कोई लोग वो लुक को पुल ऑफ कर सकते हैं, बट मोस्टली इट्स अ डिफिकल्ट लुक टू पुल ऑफ। नेक्स्ट रूल बहुत ही सिंपल, और इस रूल को हम कहते हैं ओवर सैचुरेटेड शर्ट्स। आप एक मर्द हो, आप केवल अंडर सैचुरेटेड शर्ट्स पहनेंगे जहाँ कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, आई कैचिंग नहीं है। अगर आपने एक रूम में एंटर किया तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि यार होली खेल के आया, अरे दिवाली जल्दी आ गई क्या। ए जेठालाल, प्लीज इंटेंस सैचुरेटेड कलर्स ना पहनिए, आपको पहनने चाहिए लाइट, मस्त, क्यूट, सेक्सी, यंग, स्टाइलिश कलर के शर्ट। अगर ब्राइट कलर्स पहनने हैं तो वो केवल, एक्चुअली मत पहनो ब्राइट कलर्स। कभी कभी ओवर सैचुरेटेड एकदम हाई इंटेंसिटी कलर के टी शर्ट कभी कभी अच्छे दिखते हैं, बट अगेन वेरी फ्यू गाइज कैन पुल इट ऑफ। आपका स्किन टोन एकदम मैच होना चाहिए उस टी शर्ट के साथ मोस्टली, ठीक है। अगर आपकी उम्र 22 साल से ज़्यादा की उम्र की है तो प्लीज़ अंडर सैचुरेटेड कलर की इंटेंसिटी कम रखिए, लाइट कलर्स रखिए, फ्रेश दिखिए, सेक्सी बनिए और कामयाबे यहाँ लड़कियों के दिल में कीजिए। लास्ट पॉइंट किरण, आपके पैंट्स लूज नहीं होने चाहिए, ये याद रखिए। अभी आपको एक और चीज याद रखनी चाहिए कि अपने पैंट्स को लंबे समय तक थोड़े से टाइट रखने के लिए पता है क्या करना चाहिए, अपने पैंट्स को अक्सर धोना नहीं चाहिए। जितना भी आप अपने पैंट्स को धोएंगे ना उतने ही ज़्यादा लूज होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा मटेरियल पतला होता जाएगा और फिर वो हाथी की सूंड दिखने लगे। नहीं मजाक करो, चीनोज में नहीं दिखती इतनी, बट कीप इन माइंड चीनोज भी जल्दी से ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें कम वॉश कीजिए। एंड ऑफकोर्स बेसिक रूल्स ऑलवेज अप्लाई, अगर आप एकदम पतले बंदे हो तो एकदम वो टाइट वाली पैंट्स मत पहनो, थोड़ा सा रूम रहना चाहिए आपके पैंट्स में। अगर आप फिट बंदे हो तो टाइट पैंट पहन सकते हो, बट इट शुडंट लुक ऑब्सीन, फिर से सूंड नहीं दिखनी चाहिए। और अगर आप एकदम हेल्दी बंदे हो, ठीक है, तो फिर से एकदम टाइट पैंट्स मत पहनो, स्ट्रेट फिट, रेगुलर फिट पहनो। बहुत ही सिंपल रूल्स है। एक और पैंट्स का बहुत ही आसान रूल जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तोड़ा जाता है कि बेज ना, बेज ऑफ द पैंट, जो आपके पैंट्स का बॉटम होता है आपके एंकल्स के यहाँ, वो होना चाहिए टाइट, वो हमेशा दिखता है सेक्सी, वो दिखता है मॉडर्न, वो दिखता है स्टाइलिश। फैशन की प्लेलिस्ट बनाई है हम दोनों ने, मैंने एक लव गुरु की प्लेलिस्ट भी बनाई है। आपका लव गुरु प्लेलिस्ट नॉट रिलेटेड टू दिस वीडियो, बट आपको मजा आएगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, रणवीर एंड द टीम, नमस्ते। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके दादियों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आई डोंट नो जस्ट इनको ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए। ओके, सी यू।